मुझे अगर पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं अलिजबा को रोक लेती, वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई है। अब कोई बात नहीं, हम भी शॉपिंग के लिए ही निकले थे, मैंने सोचा कि भूमि की तुम्हें यहाँ लाई नहीं, आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। बेटा कब आए हो? आंटी कल रात को ही आए। फिर तो बड़ी अच्छी बात है यार, कल ही आए और आज मिलने आ गए। बस क्या करूँ, आप सबसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था, आंटी से तो मिल चुका हूँ। हाँ मुझे याद है। आप लोग कब मिले? बेटा उस दिन जब हम हॉस्पिटल गए थे चेकअप के लिए तो नफीसा मिली थी और साथ में सारिम भी था। अच्छा, आई थिंक हमारी मुलाकात नहीं हुई। आप नहीं थे शायद? नहीं मैं वहीं पर था, बट आई थिंक मेडिसिन वगैरह लेने गया हुआ था। हाँ हाँ ये था वहाँ, बट वही आई थिंक फार्मेसी गया हुआ था। हाँ ओके ओके, मैं नवेरा को देख रहा था। हाँ आंटी, आई एम श्योर आप शादी की तैयारी में काफी मसरूफ होंगे। प्लीज डोंट आस्क, इतने सारे काम है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि होंगे कैसे। आई एम श्योर, बस मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो मुझे बता दीजिए। वाह, कभी ऐसी ऑफर घर में भी कर दिया करो। ठीक है मॉम, अभी बोल देता हूँ, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो सादान भाई को बता दीजिए। हलीमा जी कबाब रेडी हो गए? जी रेडी हो। और नगेट सर कह दिए थे ना आपने? वो भी कह दिए थे, फ्राई। बस चाय रहती है, वो जल्दी से तैयार करके ले आए। जी आप क्यों आ गए? मैं आई रही थी बस। वेरा एक बात मुझे परेशान कर रही है। बताएं क्या बात परेशान कर रही है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारिम को मैंने पहले कहीं देखा है, जैसे मुलाकात हुई है हमारी। हाँ आप भी हद करते हैं, फारिस की शादी में मुलाकात हुई होगी ना आपसे? वो आया था वहाँ? जी फारिस का बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ हो सकता है फिर वहाँ मुलाकात हुई हो, मैं बिलावजा परेशान हो रहा था। अच्छा आप जाएं, वो लोग सोच रहे होंगे ये दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैं हलीमा जी के साथ चाय लेके आती हूँ। ओके okay.